जंगल में रानो चिड़िया अपने पति मोंटू चिड़े और नन्ही बेटी चिंटी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। मम्मा, मैंने गुड़िया लेनी है। कितने दिन हो गए आपसे कह रही हूँ, आप मुझे गुड़िया कब दिलवाएंगी? अरे बेटा, तुम फिकर ना करो, मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलवाऊंगी, एक बार मुझे ठीक तो हो जाने दो ना। पर मम्मा, जब अब्बू घर आते हैं आप अब्बू से कह देना वो मेरे लिए गुड़िया लेकर आ जाएंगे, वो तो रोजाना बाहर जाते हैं। अच्छा, कह दूंगी। तुम तो बहुत ज्यादा बेचैन हो रही हो गुड़िया लेने के लिए, आज ही तुम्हारी गुड़िया मंगवा देती हूँ। अभी रानू चिड़िया ऐसा कह ही रही थी कि थोड़ी ही देर में मोंटू चिड़ा भी घर वापस आ जाता है। मम्मा देखो ना, अब्बू आ गए, अब आप अब्बू से कह दें कि वो मेरी बात मान ले, मुझे गुड़िया लाकर दे देना। अरे बेटा, मैं बात कर लेती हूँ तुम्हारे अब्बू से, अभी घर आए हैं, गुस्सा करेंगे ना। अरे मेरी परी, क्या कह रही है, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा। बेटा बताओ आपको क्या चीज चाहिए, मैं आपको हर चीज ला कर दूंगा ना। बाबा, मैंने गुड़िया लेनी है। कितने दिन हो गए मम्मा से कह रही हूँ लेकिन नहीं दिलवा रही और ना ही आपको बता रही है। क्यों भाई रानो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी बेटी की फरमाइश मैं पूरी करता हूँ, फिर मुझे ये बात क्यों नहीं बताई तुमने? मोंटू जी, मुझे लगा आप काम में मसरूफ होंगे, मैंने सोचा मैं खुद ही ठीक होकर ले आऊंगी ना इसकी पसंद की गुड़िया। तो ये बात है, मेरी बेटी को गुड़िया चाहिए लेकिन मम्मा चाहती है इनके साथ जाऊं मैं, तो चलो हम तीनों दुकान पर चलते हैं और एक खूबसूरत सी गुड़िया खरीद लेते हैं ना। अरे अब्बू, ये तो सारा मसला ही हल हो गया, हम मम्मा को अपने साथ ले जाते हैं, इस तरह मेरी गुड़िया भी जल्दी आ जाएगी और मम्मा भी मेरे साथ चली जाएंगी ना। मोंटू रानो चिड़िया और चिंकी को लेकर गुड़िया वाली दुकान पर चला जाता है। अरे भाई, मेरी बेटी को जो भी गुड़िया पसंद आए इसे वही दे देना और इसकी मम्मा से पूछ लेना, अगर इसने कुछ लेना हो तो मुझे बता देना, दोनों के पैसे एक ही साथ दे दूंगा मैं। ठीक है सर, लेकिन अगर आपने कुछ खरीदना है तो आप आगे जा सकते हैं। मोंटू आगे चला जाता है। रानो चिड़िया और चिंकी खूब ज्यादा शॉपिंग करती हैं। मम्मा, कितना ज्यादा मजा आया, इतनी ज्यादा शॉपिंग की हमने, मैं तो सिर्फ गुड़िया लेने के लिए आई थी, हमें क्या पता हमें इतनी ज्यादा सारी चीजें लेनी होंगी। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू हमारे साथ आए हैं इसीलिए हमारे मजे हो गए हैं, हमने तो बहुत ज्यादा चीजें खरीद ली है ना। मम्मा, मैं बाबा को बुला कर लेकर आती हूँ, फिर हम घर वापस भी तो चलेंगे ना, काफी देर हो गई है वैसे। थोड़ी ही देर में मोंटू चिड़ा रानू चिड़िया और चिंकी को लेकर अपने घर वापस चला जाता है। खुश हो ना चिंकी, कैसी लगी तुम्हें अपनी गुड़िया? वैसे भी तुमने अपनी पसंद की ही ली है ना। अब्बू, आप दुनिया के सबसे ज्यादा अच्छे बाबा हैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं आप। अरे बेटा, इस जंगल में तुमसे प्यार नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? चिंकी खुशी खुशी अपने कमरे में जाती है और गुड़िया के साथ खेलने लग जाती है। रानो देखो, हमारी बेटी कितने ज्यादा खुश है, मैं चाहता हूँ हमारी बेटी के चेहरे पर ये खुशी हमेशा के लिए रहे। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मोंटू जी, मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हो गया रानो तुम्हें? तुम थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी ना। नहीं, मैं सुबह से बीमार हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, एक बार मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ ना। मोंटू जल्दी से चिंकी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। बेटा, मैं तुम्हारी मम्मा को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी, तुम हमारा इंतजार बिल्कुल भी मत करना, आराम से सो जाना। अब्बू, मुझे पता है मम्मा सुबह से बीमार है, वो मैंने जिद की इसीलिए मुझे गुड़िया दिलवाने के लिए ले गई बस। तुम्हें पता था तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा अब देखो कितनी ज्यादा परेशानी वाली बात हो गई है ना। बाबा, आप जल्दी से जाएं मम्मा को लेकर, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी। मोंटू चिड़ा रानी चिड़िया को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर साहब, क्या हो गया है रानी चिड़िया को, वो कब तक ठीक हो जाएगी? अरे यार, हम उसे चेक कर रहे हैं, थोड़ी देर सबर कर लो ना। रानी चिड़िया को चेक करने के बाद डॉक्टर मोंटू चिड़े के पास आता है। आपकी पत्नी रानी चिड़िया को किसी जहरीली चीज ने काटा है जिसकी वजह से सारा जहर उनके जिस्म में फैल गया है। ऐसे कैसे काट लिया? मैं अभी काम से वापस आया हूँ, मुझे क्यों नहीं पता चला? सुबह से काटा है उसने, अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी पत्नी बच पाएगी, अगर किसी से मिलवाना है तो मिलवा लो। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बचाने की कोशिश करो ना, जितने भी पैसे लेने हैं ले लो।
हम नहीं बचा सकते, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं जहर निकालने की। जहर पूरे खून में शामिल हो गया, जहर निकालेंगे खून निकलेगा तो बचेगा क्या? मेरी बेटी का क्या होगा, वो तो अपनी माँ का इंतजार कर रही होगी ना। ले आओ अपनी बेटी को, मिलवा दो उसकी माँ से, आखिरी वक्त है रानो चिड़िया का। मोंटू जल्दी से अपनी बेटी चिंकी के पास जाता है और उसे लेकर रानो चिड़िया के पास आ जाता है। मम्मा कब घर वापस आएंगी, कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी और आप यहाँ पर आराम से लेट गई हैं। अरे मोंटू जी, आप चिंकी को क्यों लेकर आ गए हॉस्पिटल, यहाँ पर बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, आपको नहीं पता क्या? पता है रानो, हमारी बेटी चिंकी घर में अकेली रहती तो डर जाती, इसीलिए इसे तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। आपने बहुत ज्यादा अच्छा किया, लेकिन इसे मुझसे दूर रखो क्योंकि अभी मैं बीमार हूँ, कहीं मेरी बेटी ना बीमार हो जाए। रानो जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हें घर वापस लेकर जाना है, कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ मैं भी ठीक होना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। रानो तुम हिम्मत रखो, डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चिंकी बेटा अब आराम से सो जाओ, बहुत ज्यादा रात हो गई है। चिंकी आराम से सो जाती है और रानो चिड़िया बेचारी काफी देर तक उठी रहती है। मोंटू जी मुझे क्या हुआ है, आप मुझे बता देना। कुछ भी नहीं रानो, कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो, सुबह सवेरे हम अपने घर वापस चलेंगे ना। आप इतने परेशान पहले कभी नजर नहीं आए मुझे, मुझे बताओ ना मुझे क्या हो गया है। क्या बेफजूल सवाल पूछती रहती हो, मैं सो रहा हूँ, अब तुम चुपचाप सो जाओ। चिंकी के सर पे हाथ रख के कहो कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं चुपचाप सो जाऊंगी। रानो तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अच्छा तुम्हें जानना है तो सुनो, सुबह तुम्हें किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है और सारा जहर तुम्हारे जिस्म में फैल गया है। क्या इसका मतलब मेरे अंदर जहर है, मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओ, कहीं जहर इसके अंदर ना चला जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारी बेटी है, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मोंटू मुझसे वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का ध्यान तुम ही रखोगे। ऐसी बातें क्यों कर रही हो रानो, तुम इसकी माँ हो, इसका ख्याल मुझसे ज्यादा बेहतर रख सकती हो, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ ना। वादा करने में क्या जाता है, मुझसे वादा कर लो ना, पहले भी तुम इसका ख्याल रखते हो, मेरे बाद भी इसका ख्याल रख सकते हो ना। अच्छा ठीक है मैं वादा करता हूँ, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी तुम। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुमसे वादा ना करवाती। बस इतना कहने के बाद रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। रानो क्या हुआ, सो गई, देखो तुम्हें बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, मुझे मालूम था। काफी देर तक मोंटू रानो चिड़िया के पास बैठा रहता है, लेकिन रानो चिड़िया नहीं उठती। रानो क्या हो गया है तुम्हें, उठ जाओ रानो, रानो रानो मेरी आवाज आ रही है तुम्हें, रानो एक बार उठ जाओ, रानो मैं मोंटू चिड़िया तुमसे बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही, एक बार उठ जाओ ना। लेकिन रानो चिड़िया बिल्कुल भी नहीं उठती। मोंटू चिड़िया जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर रानो नहीं उठ रही, एक बार उसे चेक कर दो, उसे क्या हो गया है। मैंने चेक किया था रानो चिड़िया को, रानो चिड़िया अब इस दुनिया में नहीं है, आप उन्हें अपने घर वापस लेकर जा सकते हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो रानो चिड़िया है, उसने मुझसे वादा किया था हमेशा मेरा साथ देगी, वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे भाई हौसला रखो, ये हॉस्पिटल है, अपनी रानो चिड़िया को लो और यहाँ से चले जाओ, बाकी मरीज भी तंग होते हैं। मोंटू रानो चिड़िया को लेकर अपने घर वापस चला जाता है। अबू मम्मा को क्या हो गया, मम्मा तो देखो खूब आराम से सो रही हैं। बेटा तुम्हारी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो हमें छोड़कर चली गई हैं। पर अबू आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, मम्मा तो हमारे सामने हैं, फिर आप क्यों कह रहे हैं इस दुनिया में नहीं हैं? बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, तुम मेरी बात को नहीं समझ सकती क्योंकि अभी तुम बहुत ज्यादा छोटी हो। मोंटू चिड़िया रानो चिड़िया को लेकर कब्र खोदकर उसके अंदर दफना देता है। रानो तुम मुझे छोड़कर चली गई, तुमने तो मुझसे वादा किया था सारी उम्र मेरा साथ दोगी, इतनी जल्दी अपना वादा तोड़ दिया। उस दिन मोंटू बेचारा बहुत ज्यादा उदास था, वो काफी देर तक रानो चिड़िया के पास बैठा रहता है। कितनी देर हो गई मैं यहाँ पर बैठा हूँ, घर में चिंकी मेरा इंतजार कर रही होगी, उसके पास भी जाना है, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया।
मोंटू चिड़ा कुछ खाने का सामान लेकर चिंकी के पास चला जाता है। चिंकी बेटा, ये कुछ खा लो तुम। तुम सुबह से भूखी हो, तुम्हें भूख लग रही होगी ना? बाबा, आप मम्मा को लेकर गए थे, कहाँ लेकर गए हैं? आपने तो कहा था ये दुनिया छोड़कर गई है मम्मा, लेकिन आप तो खुद मम्मा को लेकर गए हैं ना मेरी आंखों के सामने। बेटा, तुम्हारी मम्मा हमेशा तुम्हारे पास है, तुम्हें नहीं मालूम क्या? मालूम है बाबा, मम्मा ने मुझे कहा था वो कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, लेकिन मुझे नजर तो आ ही नहीं रही। अपनी बेटी की ये सारी बातें सुनकर मोंटू चिड़ा बेचारा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। काफी दिनों तक मोंटू चिड़ा अपनी पत्नी रानू चिड़िया की याद में उदास ही बैठा रहता। वो अपनी बेटी को भी टाइम नहीं दे पाता था। मम्मा, आप कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? बाबा भी बदल गए हैं, वो तो मेरे पास आते भी नहीं। पहले तो हम तीनों मिलकर कितना ज्यादा खेलते थे, मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता। चिंकी की ये सब बातें मोंटू चिड़ा सुन लेता है। कैसा बाप हूँ मैं, अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पा रहा। रानू चिड़िया, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? हमारी बेटी कितनी ज्यादा खुश थी हमारे साथ। मोंटू चिड़ा जल्दी से चिंकी चिड़िया के पास जाता है। अरे मेरी शहजादी, क्या हो गया, क्यों उदास हो तुम? बाबा, आप मुझे टाइम नहीं दे पाते, मैं क्या करूं? आप मुझसे पहले वाला प्यार नहीं करते जब मम्मा हमारे पास थी। बेटा, मुझे भी पता नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाता है। मैं मम्मा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। आप मुझे मेरी मम्मा वापस लाकर दे दो ना, बेशक कहीं से भी लाकर दो। ये सुनकर मोंटू चिड़ा घर से बाहर चला जाता है और एक तरफ जाकर बैठ जाता है। क्या करूं अब मैं, अपनी बेटी को उसकी माँ वापस कहाँ से लाकर दूं? इस जंगल में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके। थोड़ी ही देर में मोंटू चिड़े के पास तोता आ जाता है। अरे मोंटू भाई, कैसी परेशानी है, कितने दिन हो गए उदास बैठे हो और हमसे भी मिलने नहीं आते। क्या करूं यार, जब से रानो इस दुनिया से गई है पता ही नहीं चलता दिन कब गुजर जाता है, हर वक्त मैं उदास ही रहता हूं। और तुम्हारी बेटी का क्या हाल है, वो कैसी है? मुझे लगता है वो भी बहुत ज्यादा उदास रहती है, बच्चों के साथ खेलने बाहर नहीं आती। हाँ यार, वो हर वक्त मुझे कहती है मम्मा ला कर दो, मम्मा ला कर दो। कहाँ से ला कर दूँ, रानो चिड़िया भी इस दुनिया में नहीं है, इतनी बार उसे बता दिया। तो भाई दूसरी शादी कर लो ना, ताकि उसकी मम्मा भी आ जाए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम, दूसरी शादी कर लो? मैं ऐसे कैसे दूसरी शादी कर लूँ? देखो तुम्हारी बेटी अभी बहुत छोटी है, उसे मम्मा की जरूरत है। पर रानो की जगह मैं किसी को नहीं देना चाहता। रानो चिड़िया अब इस दुनिया में नहीं है, कब तक उसकी यादों के सहारे जीते रहोगे? दोस्त मैं क्या करूं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, तुम मुझे कैसे कह सकते हो? अगर अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देना चाहते हो, अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते हो, दूसरी शादी कर लो, देखो कोई भी नहीं रोकेगा तुम्हें। बस इतना कहने के बाद तोता वहां से चला जाता है। मैं क्या करूं, क्या मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? अगर मेरी दूसरी बीवी ने मेरी बेटी को मारा तो? काफी देर तक सोचने के बाद मोंटू चुपचाप अपने घर वापस चला जाता है। मैं एक बार चिंकी से पूछ लेता हूँ, अगर वो मुझे इजाजत देती है तो मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा। मोंटू चिड़ा जैसे ही चिंकी के पास जाता है, चिंकी बहुत ज्यादा बीमार थी। बाबा, आज मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मोंटू जैसे ही चिंकी को चेक करता है, चिंकी को बहुत ज्यादा बुखार था। बेटा तुम्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है, तुम मुझे पहले बताती मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता ना। बाबा, आप घर कब वापस आए हैं जो मैं आपको बताती? आप थोड़ी देर के लिए आए थे, आकर चले गए। बेटा मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। मोंटू जल्दी से गुड़िया को बुखार की दवाई दे देता है और गुड़िया आराम से सो जाती है। अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, मेरी बेटी को माँ की कमी महसूस हो रही है, इसीलिए बहुत ज्यादा बीमार हो गई है। अगले दिन मोंटू रिश्ते वाली गोरी कवि के पास चला जाता है। गोरी बहन, मेरे लिए रिश्ता ढूंढ दो ना। अरे मोंटू भाई, शुक्र है आपको अक्कल आई दूसरी शादी करने की, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता जरूर ढूंढ दूंगी। याद रखना गोरी बहन, मेरी बेटी की माँ चाहिए मुझे, ना कि अपनी बीवी। समझ रही हूँ, मैं ऐसी चिड़िया ढूंढ कर दूंगी कि तुम्हारी बेटी का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेगी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
मोंटू जब अपने घर वापस चला जाता है तो गोरिका भी चिड़िया के पास जाती है। अरे बबली, मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। चिड़िया बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है और तो और उसके पास बहुत अच्छी नौकरी भी है। अच्छा तो मुझे उसकी तस्वीर तो दिखाओ ना, मैं एक बार उसकी शक्ल तो देख लूँ। ये है लड़का, देखो कितना ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसकी एक बेटी भी है। बेटी, मैं किसी शादीशुदा चिड़े से शादी नहीं कर सकती। अरे पागल, इसके पास पैसा बहुत है, इसे मत छोड़ो, तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल से रिश्ता लेकर आई हूँ। क्या मतलब, मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम ऐसे ही मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं लेकर आ सकती। इसे अपनी बेटी की माँ चाहिए जो इसकी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करे, रानो चिड़िया की तरह। मैं किसी की बेटी को इतना प्यार नहीं दे सकती जैसे उसकी माँ देती है। तुम इसे दिखावे का प्यार देना, जैसे ही मोंटू घर आया करेगा तुम इसे प्यार से बात करना, वरना तुम इसे सारा दिन मारना, सारा काम करवाना, तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। यह सुनकर बबली चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मंजूर है, अब तो मैं भी अमीर हो जाऊंगी, तुम बहुत अच्छी हो गोरी कवि। अगले ही दिन बबली चिड़िया और मोंटू चिड़िया की शादी हो जाती है। बाबा ये कौन है, आप किसे लेकर आ गए? मैंने कहा था मम्मा लेकर आनी है, ये तो कोई और ही है ना? बेटा ये तुम्हारी मम्मा है। नहीं बाबा, मेरी मम्मा ऐसी नहीं थी। अरे बेटा मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, मेरी शादी हो गई है तुम्हारे बाबा के साथ, आज के बाद से मैं तुम्हारी दूसरी मम्मा हूँ ना। तो क्या आप भी मुझे वैसे ही प्यार करेंगी जैसे मेरी मम्मा मुझे प्यार किया करती थी? हाँ बिल्कुल, अगर यकीन नहीं आता तो मेरे साथ दोस्ती कर लो, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे ना। ठीक है, और थैंक यू बाबा, आपने मुझे इतनी अच्छी मम्मा ला कर दी, ये तो मेरी दोस्त भी बन गई हैं। शुरू के कुछ दिन तो बबली चिड़िया चिंकी चिड़िया के साथ खूब अच्छे तरीके से बात करती थी। अरे चिंकी, कब तक सोती रहोगी, उठ जाओ, घर का काम नहीं करना तुम्हें। मम्मा आपको क्या हो गया है, पहले तो घर का सारा काम आप ही किया करती थी, मुझे तो कुछ करना भी नहीं आता। मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझे मम्मा कहते हुए, मैं कितनी ज्यादा हसीन हूँ। आपने मेरे बाबा के साथ शादी की है तो आप मेरी मम्मा हुई, आप तो पहले बहुत ज्यादा खुश थी, आपने खुद ही कहा था मुझे मम्मा कहा करो। अब मैं ही कह रही हूँ ना कहा करो, तुम अपनी जबान को बंद करो और जाकर बाहर से पानी भर कर लेकर आओ। पानी में बहुत ज्यादा वजन होता है, मुझसे नहीं उठाया जाएगा, अभी मैं बहुत छोटी हूँ ना, मेरी मम्मा तो मुझे खुद ही पानी ला कर देती थी। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने जो कह दिया तो कह दिया, घर की सारी सफाई भी तुमने करनी है, खाना भी तुमने बनाना है। बेचारी चिंकी उदास हो जाती है और जल्दी से पानी भरने के लिए बाहर चली जाती है। अरे चिंकी बेटा, तुम पानी भरने के लिए बाहर क्यों आई हो, तुम्हारी नई मम्मा है वो क्यों नहीं आई? आंटी, मम्मा ने कहा जाकर खुद पानी भर कर लेकर आओ, वो मेरी नौकर नहीं है। पर बेटा अभी तो तुम बहुत ज्यादा छोटी हो, इतना ज्यादा वजन कैसे उठाओगी, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। नहीं आंटी, कब तक आप मेरी मदद करेंगी, मुझे लगता है रोजाना पानी मुझे ही लेकर जाना होगा। तो बेटा अपने बाबा को बताओ ना, वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। नहीं आंटी, वैसे भी घर का कुछ काम तो मुझे करना चाहिए ना, मम्मा बेचारी अकेली सारा दिन लगी रहती हैं। इतना कहकर चिंकी पानी लेकर अपने घर वापस चली जाती है। आ गई महारानी, इतनी देर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बाहर क्या कर रही थी, पानी पीना था मैंने, कितनी प्यास लग रही है, तुम तो चाहती हो मैं प्यासी मर जाऊं। मम्मा आप फिक्र ना करें, ये ले पानी अब पी ले, जितना भी पीना है, मैं बहुत ज्यादा मुश्किल से उठा कर लेकर आई हूँ, ये बहुत वजनी था, बहाने सुन लो तुमसे जितने मर्जी, इतना काम करती हूँ मैं सारा दिन, थोड़ा सा पानी नहीं ला कर दे सकती तुम? ला तो दिया, आपने मुझे एक बार कहा मैं पानी लेने के लिए चली गई, मुझ पर गुस्सा मत करे ना। अब जाओ और जाकर सारे घर की सफाई करो, अगर मुझे कहीं भी गंद नजर आ गया तो तुम्हारे मुंह से साफ करवाऊंगी मैं। पर मम्मा अभी मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगी, उसके बाद आपका काम करूंगी ना। हाँ हाँ, तुम तो पूरे जंगल को पानी बांट कर आई हो, जो थक गई अभी और इसी वक्त मेरा काम करो, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। ये कहकर बबली चिड़िया एक तरफ जाकर बैठ जाती है। मम्मा बहुत ज्यादा बुरी हैं, लेकिन मैं कैसे कहूँ वो बुरी हैं, वो तो मेरे साथ कितना बुरा सलूक कर रही है ना। गुड़िया सारे घर की सफाई करना शुरू कर देती है, थोड़ी ही देर में पूरा घर साफ सुथरा हो जाता है। मम्मा सफाई कर दी तो ठीक है, अब जाओ और जाकर नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, तुम्हें ऐसा देखेंगे तो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं वो।
ठीक है मम्मा, जैसे आपने कहा है मैं वैसे ही करूँगी। थोड़ी ही देर में मोंटू चिड़ा भी घर वापस आ जाता है। अरे मोंटू जी, आप आ गए, कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी, चिंकी आपको बहुत ज्यादा याद कर रही है। अरे कहाँ है चिंकी, बुलाओ उसे, काम की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती, आज उससे खूब ज्यादा बातें करूँगा मैं। चिंकी जैसे ही बाहर आती है मोंटू चिड़ा उसे देखकर खुश हो जाता है। अरे मेरी बेटी कहाँ गुमती, कितने दिन हो गए तुम्हें नहीं देखा, एक ही घर में रहते हैं लेकिन तुम अपने बाबा से मिलने के लिए भी नहीं आती। बाबा मैंने आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ मेरी शहजादी, क्या बात है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। बाबा ये जो नई मम्मा आई है मुझसे सारा दिन काम करवाती है, मुझे लेटने भी नहीं देती। ये क्या सुन रहा हूँ मैं बबली, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा करती हो। अरे क्या मोंटू जी, आप छोटी बच्ची की बातों में आ गए और मुझ पर शक करने लगे, मैं कितनी बड़ी हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसके साथ ऐसा क्यों करूँगी। हाँ बेटा मम्मा आपके साथ ऐसा क्यों करेंगी, ये तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है ना। लेकिन बाबा मैं सच कह रही हूँ। चलो बेटा आप यहाँ से चले जाओ, आपकी पढ़ाई का वक्त हो गया है ना। चिंकी उदास होकर अपने कमरे में वापस चली जाती है। मोंटू जी आप इसकी बातों को सच बिल्कुल भी मत लिया करें, ये ऐसे ही बोलती रहती है सारा दिन, बहुत मजाक करती है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैंने अपनी बेटी की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दिए, तुम भी ध्यान रखना मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। अगले दिन सुबह सवेरे उठकर मोंटू काम पर चला जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जो चिंकी कह रही थी बिल्कुल सच कह रही थी, वैसे भी दूसरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, मुझे एक बार घर जाकर देखना चाहिए। दूसरी तरफ बबली चिड़िया चिंकी पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। चिंकी तुमने क्या किया, आज सफाई नहीं की, कोई काम नहीं करती, घर का मालकिन बनकर बैठी रहती हो सारा दिन। मम्मा आज मुझे बुखार है, मुझे उठा नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? बहाने तो खूब बना लेती हो, ये बहाने मैंने भी बहुत बनाए हैं, अब तुम चुपचाप सारे घर का काम करो ना, बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी मैं। बाहर बैठा मोंटू सारी बातें सुन लेता है, वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है कि उसने अपनी बेटी के साथ कितना बुरा किया है। उठ जाओ महारानी, काम कर लो, कब तक तुम्हारे आसरे पर बैठी रहूंगी, पानी भी भर कर लेकर आना है, पता नहीं क्यों नहीं उठ रही तुम। जैसे ही चिंकी काम करने के लिए उठती है वैसे ही मोंटू चिड़ा घर के अंदर दाखिल हो जाता है। मेरी पीठ पीछे मेरी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक कर रही हो तुम, तुम्हें शर्म आना चाहिए। अरे मोंटू जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप तो अपने काम पर गए थे ना। कैसे काम करूँ मैं जब तुम जैसी चिड़िया को अपनी बेटी के सर पर लाकर बिठा दिया है। मोंटू जी आप गलत समझ रहे हैं, मैं वैसे ही इसे काम सिखा रही थी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें काम सिखाने की, तुमने मुझे कहा था कि मेरी बेटी के साथ कभी भी इतना बुरा नहीं करोगी, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से बाहर चली जाओ, मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसा नहीं कि सारा गुस्सा तुम पर ही निकल जाए। मोंटू जी मुझे माफ कर दो ना, ये तो मेरी प्यारी सी बेटी है, बेटा तुम ही अपने बाबा को कहो ना। मेरा खुद का दिमाग है, मैं किसी की कुछ नहीं सुन रहा, तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से जाती हो या धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकालूं मैं। बबली चिड़िया अपना सारा सामान पैक करके घर से बाहर चली जाती है। गुड़िया बेटी मुझे माफ करना, मुझे नहीं मालूम था कि ये तुम्हारे साथ ऐसा कर रही होगी। बाबा कितने दिनों से मम्मा मेरे साथ ऐसा कर रही है, जब मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ मम्मा मुझे रोक देती हैं या डरा देती हैं। बेटा मैं तुम्हारा बाप अभी जिंदा हूँ, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा मेरे कहने पर आप मम्मा को लेकर आए थे ना, मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कि मैंने आपको इतना ज्यादा तंग किया कि आपको दूसरी मम्मा लेकर आनी पड़ी। गलती तो मेरी भी है, सोचा मैंने नहीं कि दूसरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। बाबा आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज आपने मेरी साइड ली है और दूसरी मम्मा को घर से बाहर निकाल दिया, वो बहुत ज्यादा गंदी थी। उस दिन के बाद से मोंटू चिड़ा अपनी बेटी चिंकी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाता है।